देखिए आज हम लोग सीखेंगे मिश्र भिन्न का जोड़। मिश्र भिन्न क्या होती है? इसमें एक पूर्ण संख्या होती है और एक भिन्न होती है। दोनों के जोड़ को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। तो अब हम इन दोनों का जोड़ करना सीखेंगे। देखिए सवाल दिया गया है, दो सही एक बटे तीन धन तीन सही चार बटे पांच। चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो इसके सही बटा है इसको खत्म करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके हर का गुणा इसमें करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। लिख लीजिएगा यहाँ बराबर का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर दो गुणे तीन धन एक, ठीक है, और बटे जो भी हर है उसको लिख देंगे। फिर अगली भिन्न के लिए प्लस का चिन्ह लगाइए। तीन गुणे पांच धन चार बटे पांच। समझ में आया प्रोसेस? इसके हर का इसके सही बटा से गुणा किया और उसके अंश को जोड़ दिया। वही देखिए पांच का गुणा तीन में किया और चार को जोड़। क्लियर? ये स्टेप आपको ध्यान हो जाएगी तो आप आगे कर पाएंगे। अब देखिए गुणा करिए, दुत्ती छह धन एक बटे तीन धन पंद्रह धन चार बटे पांच। यहां तक क्लियर? अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सात बटे तीन धन उन्नीस बटे पांच। तो अब ये देखिए कौन सी भिन्न बन गई है, विषम भिन्न बन गई ना, और इसके हर असमान है। तो जब असमान हर होते हैं तो भिन्न को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम लासा लेते हैं। लासा इसका कितना आएगा, पंद्रह। तो अब क्या करेंगे आगे की प्रोसेस, हर तो हो गया पंद्रह और यहां क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं। हर को पहले वाली भिन्न के हर से लासा में भाग देते हैं और जितनी बार जाता है उसका उसके अंश में गुणा कर देते हैं। तो तीन का पंद्रह में भाग दिया, कितनी बार गया, पांच बार। तो सात गुणे पांच, फिर धन का चिन्ह लगाइए। पांच से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तीन बार। उन्नीस गुणे तीन, यहां तक तो आप लोग करना वैसे भी आती थी ये विषम भिन्न का जोड़। तो कर दीजिए गुणा, पांच सत्तो पैतीस धन उन्नीस तीन सत्तावन बटे पंद्रह। क्लियर? जोड़ दीजिए कितना आएगा, सात पांच बारह का दो हासिल एक, पांच तीन आठ और एक नौ बटे पंद्रह, बानवे बटे पंद्रह। ये रहा हमारा उत्तर। क्लियर? इस तरीके से हम मिश्र भिन्नों का जोड़ करेंगे। सबसे पहले हम भिन्नों को चेंज करेंगे विषम भिन्न में, उसके बाद सेम प्रोसेस और इस तरह हमारा उत्तर आ जाएगा। क्लियर?